तो मिशन सन माटे भारत सज છે, બસ ગણતરીની જ મિનિટો બાકી છે જ્યારે આજે મિશન છે તે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે. આખરે મિશન આટલું મહત્વનું કેમ છે અને આખી દુનિયાની નજર સૂર્ય પર અને તેના પર જે વેધશાળા સ્થાપિત કરવા ભારત જઈ રહ્યું છે તેના પર કેમ છે તે જાણીશું આપણે ખુદ વૈજ્ઞાનિક નરોત્તમ સાહુ પાસેથી. આદિત્ય L1 આજે છોડવામાં આવશે, લોન્ચ કરવામાં આવશે. સ્વાભાવિક છે કે આ સંપૂર્ણ સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયાનો પાર્ટ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતની એક સિદ્ધિમાં ઉમેરો થશે. આપણી સાથે નરોત્તમ સાહુ વૈજ્ઞાનિક પોતે જોડાયા છે. નરોત્તમ સાહુ સાહેબ, આ કેવી રીતે આખી ઘટના આકાર લેશે અને સાયન્સની દ્રષ્ટિએ કેટલું મહત્વ? देखिए, हम लोग अभी चंद्रमा के ऊपर में हमारा लैंडर को लैंड करा करके एक इतिहास बनाया. एंड अभी हमारा नेक्स्ट मिशन है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. आइदर चंद्रमा के ऊपर में पहुंच करके हम लोग एक बड़ा छलांग लगाएंगे शुक्र के लिए और दूसरा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के लिए. तो इसके लिए जब देखते हैं तो हमारा जो सूर्य है ये एक जैसे कि केमिकल एंड न्यूक्लियर फैक्ट्री है. इनका अंदर का जो टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है. इनका जो कोरोना जो सरफेस है वहाँ का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड यहाँ से एवरी मिनट में एवरी सेकेंड में हमारा मैंने रेडिएशन निकलता है. लकीली हमारा अर्थ में ओनली IR एंड UR का इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन आता है. इसके अलग में भी काफ़ी मैग्नेटिक होता है जिसके लिए ऐसा कुछ प्रभाव होता है जैसे कि हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, हमारा जो ATM वगैरह होता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, पूरा हमारा कोलैप्स हो जाएगा. तो ऐसा कुछ संभावना आने के पहले हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हाउ वी हैव टू prepare ourselves so that we can save our system, our people, our planet. This is number one. Then number two, जैसे इस पर बाहर जब जाएंगे पृथ्वी के बाहर में ऐसे क्या घटना से हमारा एस्ट्रोनॉट को और हमारा स्पेस क्राफ्ट को हम लोग को सुरक्षा दे सकते हैं, इसी के बारे में जानने के लिए आदित्य L1 प्रतिबद्ध हैं. एंड इनका जर्नी अभी 4 महीना तक लगभग जनवरी 2 तारीख तक 2024 तक वो L1 पॉइंट में पहुंचेगा, जो आज से यहाँ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पूरा दूरता डिस्टेंस जो है सन एंड अर्थ का. तो ये इनका ओनली 1% है. इंडिया अभी सबसे एडवांस स्टेज में है एंड एक अच्छा वातावरण बनाया, इकोसिस्टम बनाया. अभी STI इकोसिस्टम के साथ G20 का जो प्रेसिडेंसी है ये हमारा सपना को और आगे बढ़ाया, क्योंकि G20 के आगे में अभी इंडिया का कितना कैपेबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस होता है, कितना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ये हम लोग दुनिया को बता दिया. अभी सूर्य जान के रिसर्च के साथ हम लोग इसी साथ में इसी रिसर्च में पहुँचेंगे ताकि हम लोगों का डीप स्पेस रिसर्च के लिए वी आर टोटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. वी डोंट हैव टू डिपेंड एनीबॉडीज डाटा, एनीबॉडीज ये फीचर्स, एनीबॉडीज इमेज, एनीबॉडीज ये टेक्निक टेक्नोलॉजी फॉर अवर मिशन. जैसे चंद्रयान हुआ ऐसा मंगलयान होगा, अभी सूर्ययान हो गया, अभी इसके लिए हम लोगों का फुली इंडिपेंडेंट एंड इंडिया हैज़ टू टेक द डायरेक्शन टू एंटायर वर्ल्ड. सर, आखिरी प्रश्न, हमें डेटा कब से मिलना शुरू हो जाएगा Aditya 1 से? Aditya 1 अभी आज से लॉन्च होगा एंड 4 महीना तक लगेगा इनका L1 पॉइंट के पहुंचने के लिए. एंड L1 पॉइंट से जो कंटिन्यूसली वो रोटेट करेगा एंड वो ऑब्जर्व करेगा एंड वहाँ से एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हमको भेजेंगे. तो लगभग 4 महीने के बाद वी आर एबल टू गेट द डाटा एंड फिगर्स पिक्चर्स फ्रॉम आदित्य L1. આભાર. ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે સાહુ સાહેબનું જે કહેવું છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યાર સુધી સૂર્ય માટે કેટલું જાણ્યું હતું, હવે સ્પેસ સેન્ટરથી આદિત્ય L1 છે એનાથી સંપૂર્ણ જાણી શકાશે અને 4 મહિના પછી સંપૂર્ણ ડેટા આવશે. ભારતના સ્પેસ સેન્ટરમાં કહી શકાય કે એક મોટું ઐતિહાસિક કદમ આજે ભરવામાં આવી છે. કેમેરામેન રમેશ સ્ટુડિયો સાથે હિકલ પારેખ, G Media, ગાંધીનગર.